देश में लॉकडाउन के चलते सभी स्कूलें और दुकान बंद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक स्कूल प्रबंधक लॉकडाउन के बावजूद कोर्स की किताबें बेच रहा है। दरअसल शाहजहांपुर का तक्षशिला पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कॉपी किताबें बेचने का काम कर रहा है, जबकि प्रशासन ने स्कूल खोलने पर पाबंदी लगा रखी है। इन नियमों को ताक पर रखते हुए प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को लूटने में लगे हुए हैं। कई इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे मेरे वही बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा के नाम पे सिलेबस देना शुरू कर दिया है और एक अनुरोध करा गया था कि यहाँ के स्कूलों के इस साल सिलेबस ना चेंज करें, तो उन्होंने एक तो सिलेबस भी चेंज कर दिया, साथ ही ऐसे स्कूलों जो ज्यादातर तो स्कूल वाले खुद बेच रहे हैं और कुछ स्कूल वालों ने अपनी दुकानें सेट कर रखी हैं, घर सेट कर रखे हैं जहाँ से कोर्स खरीदने पे जोर दिया जा रहा है। फीस तो फिलहाल अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोर्स तो बराबर वो अपनी सेटिंग की दुकानों मनमाने रेट पे जो है बिकवा रहे हैं। जब इस संबंध में अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी। के माध्यम से किताबें बेची जा रही, कॉपी किताबें बेची जा रही, इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? इसमें प्राइवेट स्कूल कौन से हैं इसकी स्पेसिफिक जानकारी मिले, कौन सा स्कूल ऐसा कर रहा है? सर, अंटा चौराहा स्थित तक्षशिला पब्लिक स्कूल में आज काफी किताबें बेची जा रही थी। तक्षशिला पब्लिक स्कूल पता करते हैं कि हमारे यूपी बोर्ड का है कि सीबीएसई बोर्ड का है, तो किसी भी बोर्ड का है तो उसको ये नहीं करना चाहिए, इसको पता कराते हैं। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर ऐसे स्कूल? पहले पता कराते कि सत्यता क्या है, इसमें जो है बैच रहा है कि नहीं बैच रहा है, इसकी कार्रवाई कराते। आपको बता दें, कई प्रदेशों में लॉकडाउन के चलते 3 महीने की फीस माफ करने के साथ साथ स्कूल खोलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा रखी है, लेकिन कुछ स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं। न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से सोनू सिंह चौहान की रिपोर्ट।